तो आज हम आलू और गेहूं के आटे की मसालेदार पूरियां बनाएंगे और इसी के साथ तड़के वाला मसालेदार दही भी रेडी करेंगे। इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम 1 कप जितना उबला हुआ स्मैश किया हुआ आलू लेंगे। इस तरह से आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर स्मैशर की मदद से स्मैश भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, फिर उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जितना अजवाइन हम हाथों से इस तरह से क्रश कर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी को हाथों से इस तरह से क्रश कर ऐड करेंगे, फिर इसके बाद 1 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दें, 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे हम इसमें और 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, यानी कि जितना आटा ले उससे आधी मात्रा में स्मैश किया हुआ उबला हुआ आलू ले। आलू जो है वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, गर्म आलू से आटा ना गूंथे। तो सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें यहाँ पर सख्त आटा लगाना है, नरम आटा ना गूंथे। तो पानी की मदद से अब हम सख्त आटा लगा लेंगे। 2 से 3 बैचेस में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा जो है वो लग कर के तैयार है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जितनी सूजी ऐड करेंगे। जब भी आटा गूंथना स्टार्ट करे उससे पहले ही सूजी ऐड करें, मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ। और 2 टीस्पून ऑयल लेके अच्छे से हमें इसे 3 से 4 मिनट तक मसल लेना है। सूजी ऐड करने से इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर 15 से 20 मिनट कवर करके रख देंगे। तो जब तक आटा जो है वो सेट हो रहा है हम एक मसाले वाली तड़के वाली दही रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 3 कप दही ली है। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है, जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर है ये, 1/4 टीस्पून पुदीने का पाउडर अगर अवेलेबल है तो ज़रूर से ऐड करें, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ऐड करें, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून जितनी पिसी हुई चीनी ली है। अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर दें चीनी। तो सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक तड़का लगा लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो तड़का पैन में हम 1 टेबलस्पून जितना तेल लेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा 1 टेबलस्पून उड़द की दाल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सरसों ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा, हींग चुटकी भर, 3 से 4 मीठे नीम के पत्ते भी ऐड करेंगे। तो जैसे ही सरसों चटकने लगे ये तड़के को हम दही के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए दही जो है वो रेडी है। इसके साथ पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अदरवाइज़ आप इसे चाय के साथ या फिर अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दही को हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे और इस तरफ हमारा आटा भी सेट हो चुका है और दही भी रेडी है। तो चलिए अब हम पूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दही को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा के आटे का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और कितनी मोटी पूरियां बनानी है उस हिसाब से आटे के छोटे छोटे गोले बनाएंगे हम। सूखा आटा ना ले तो अच्छा रहेगा। इस तरह से हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा ले और इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। तो अब हम हमारे इस रोलिंग पैड के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि पूरियां बेलने में बहुत ही आसानी रहे। तो चपाटी जैसी थिकनेस हमें इसकी रखनी है, बहुत पतली नहीं बनानी, ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी। तो इस तरह से हमें मीडियम थिकनेस इसकी मेंटेन करनी है। सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ या फिर शाम को डिनर में
आप इसे ले सकते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि हर शाम को क्या बनाया जाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह से पूरी मैंने रोल कर ली है, तो हमें इसे गरम तेल में फ्राई करना है। हल्का गरम तेल नहीं चाहिए, प्रॉपर गरम तेल चाहिए, तभी ही पूरी अच्छे से फूलेंगी। तो अब हम इसे कड़छी की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको फूलने में मदद करेंगे। ये देखिए पूरी जो है वो बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे। तो जैसे ही पूरियां फूल जाए, गैस की आंच को मध्यम करेंगे और इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह से बाकी की पूरियां भी हम फ्राई कर लेंगे। रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूले। तो जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।